राम राम दोस्तों, मैं राकेश गोचर आपका मित्र फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को आज इस बात से अवगत कराने आया हूं कि हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो है राजस्थान के इतिहास से संबंधित। इस प्लेलिस्ट में हम राजस्थान के इतिहास की जो प्रमुख प्रमुख रियासतें हैं उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उनके बारे में इतिहास जानेंगे। लेकिन उनके बारे में इतिहास हम किस प्रकार से जानेंगे? अगर आप हर एक शासक को पढ़ने जाएंगे तो हर एक शासक उसके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, कितनी बड़ी परिवर्तन लाने वाली या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उस हिसाब में पर्याप्त समय लगता है, 2 से 3 घंटे, 1 घंटे, अलग अलग शासकों पर निर्भर करता है। किंतु जब किसी वंश की शुरुआत होती है और पूरी वंशावली चलती है और जब तक हमको वो वंश को याद रखना है, तब तक कि ये पूरी वंशावली में हम जिस जैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे का सूफड़ा साफ होता जाता है। तो किस प्रकार से हम कोशिश करके किसी एक रियासत की वंशावली को समराइज कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर सकते हैं, मेरे वही प्रयास इस वाली प्लेलिस्ट में रहेंगे। अर्थात मैं हर एक रियासत की कहानी आपके सामने उस स्वरूप में रखने की कोशिश करूंगा कि यदि आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो पहले मोटे तौर पर आप उसकी कहानी को समझ सकें। अगर कहानी आपके मन में एक बार स्थायी हो गई तो फिर आप एक एक शासक को पढ़ेंगे तो मुझे इस बात का काफी भरोसा है कि आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर जो चीज़ें हमारे से मतलब हिस्ट्री में जो सब चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती है ना, कि चीज़ें याद नहीं रहती, इसका संघर्ष उससे क्यों हुआ, बस युद्ध हो रहे हैं, हम लड़े जा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें आपके साथ काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रयास आप लोगों के लिए लाभप्रद होंगे। उससे पहले आप लोगों से एक विशेष अनुरोध और है कि इतिहास को पढ़ने से पहले थोड़ी सी, अगर आप लोगों की मैप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मानचित्र से अपना नाता बना लें कि अगर राजस्थान, खासकर राजस्थान के मानचित्र से, कि और राजस्थान के मानचित्र में भी क्या जो पुराने समय के नाम थे उनसे, अगर मैं कहूँ मेवाड़ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़ तो आपको समझ में आता हो मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, ये मेवाड़ के किस दिशा में पड़ता है, मांडू किस दिशा में पड़ता है, मालवा किस दिशा में, क्या मांडू मालवा अलग है या एक है, गुजरात कहाँ पड़ता है, दिल्ली किस साइड में पड़ता है। तो इस प्रकार से मानचित्र से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उसका आप अभ्यास कर लें या एक दो बार आप देख लें। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभी देख लें, क्योंकि बाद में फिर हम सोचें कि मांडू कहाँ था, सीमाएं लगती थी क्या, नहीं लगती थी तो फिर टकराव क्यों हुआ। तो आप एक बार तो मानचित्र से अपनी मित्रता कर लें। दूसरी बात यह है कि जब जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में कई बार हमको संधियां देखने को मिलेंगी, समझौते देखने को मिलेंगे। तो जब जब कोई संधि या समझौता होगा उसके बाद अधिकतर जगह पर हमको विवाह संबंध देखने को मिलेंगे। तो ये विवाह संबंध क्यों स्थापित किए जाते थे? ये विवाह संबंध इसलिए स्थापित किए जाते थे यदि दो शक्तियों में, दो रियासतों में संघर्ष हो रहा है, ये इस पर आक्रमण कर रहा है या ये इस पर आक्रमण कर रहा है, या लंबे समय से इनके मध्य संघर्ष चल रहा है। तो अब ये संघर्ष कहीं ना कहीं तो रुकेगा भाई, छोटी से छोटी लड़ाई हो या बड़ी से बड़ी लड़ाई हो, कितनी चलेगी, कहीं ना कहीं अंत तो उसका एक टेबल पर आकर ही होना है, बातचीत से अंत होना है। तो ये कभी ना कभी तो खत्म होगी। तो ये जब खत्म होगी तो ये दोनों बैठकर बातचीत करेंगे, समझौता करेंगे, संधि करेंगे। और अब ये संधि कर ली, हो सकता है ये संधि जब की गई हो इसकी शक्ति कमजोर हो, तो ये मजबूरी में आकर संधि कर रहा हो और इसके द्वारा कई सारी शर्तें इस पर थोपी जा रही हो, तो आज तो ये कमजोर इसलिए दबाव में संधि कर रहा है, लेकिन अगर कल को इसके पास सैन्य बल इकट्ठा हो गया तो इस बात की क्या गारंटी है, क्या विश्वसनीयता है कि पलटकर ये इस पर आक्रमण नहीं करेगा, ये अपनी संधि की बातों को कायम रखेगा, या फिर ये ज्यादा सैन्य शक्तिशाली है तो कल को भविष्य में भी ये अपनी इन बातों पर अड़िग रहेगा, संधि में परिवर्तन नहीं होने देगा। तो इन बातों को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए, अर्थात संधि की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, ये दोनों रियासतें क्या करती थी, विवाह संबंध स्थापित कर लेती थी। ऐसे आपको सब जगह नहीं लेकिन अधिकांश जगह देखने को मिलेंगे, इनमें विवाह संबंध स्थापित हो जाता था, एक ओर से बालक आता था, दूसरी ओर से बालिका आती थी। अब विवाह संबंध होने से क्या हो गया, ये दो परिवार मिलकर एक परिवार हो गए। अब एक ही परिवार हो गए तो आपस में लड़ेंगे मरेंगे तो नहीं, और कम से भी कम जब तक ये जिनका विवाह हुआ है ये जीवित हैं तब तक तो नहीं, हो सकता है इनके 2 पीढ़ी बाद ये लड़ मरे, लेकिन अभी तुरंत तो नहीं होगा ऐसा। तो इस बात की विश्वसनीयता को अगले 100-200 सालों तक बरकरार रखने के लिए ऐसे विवाह संबंध देखने को मिलते थे। तो जब जब भी ऐसे विवाह संबंध देखने को मिलेंगे तो आप परेशान मत होना कि भैया अभी तो दुश्मन थे, इन्होंने आपस में ये शादी संबंध क्यों स्थापित कर लिया, ठीक है। और उल्टा इससे एक फायदा और होता था कि जहाँ ये दोनों एक दूसरे के शत्रु थे तो विवाह संबंध होने से एक परिवार हो गया, तो कल को पर इस पर विपत्ति आती है तो ये सहयोग करेगा और इस पर विपत्ति आती है तो ये सहयोग करेगा, ये भी एक अनकही सी अंडरस्टैंडिंग वाली बातें होती थी। तो इस प्रकार की कई सारी बातें हैं, और जो हम राजस्थान के इतिहास की ये जो प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं इसमें अधिक से अधिक मैं आपसे बातचीत करूंगा कहानियों के माध्यम से। हो सकता है वो कहानियां
हमारी हिस्ट्री में स्थान रखती हो, और हो सकता है वो उनका कोई स्थान ही ना हो। स्थान ना हो मतलब वो किद्वंतियाँ हो, मतलब उनके प्रामाणिकता पर प्रश्न हो और वो प्रश्न वाजिब भी हो। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये होगा कि किस तरीके से हम पूरी की पूरी एक रियासत की कहानी को हमारे दिमाग में बैठा सकते हैं। तो मैं कई सारी किद्वंतियों का या फिर लोक प्रचलन में जो कहानियाँ चल रही होंगी या काफ़ी लंबे से कही जा रही होंगी, अगर वो आपकी कहानी को रोचक बनाती है जिससे कहानी आपके स्मरण में रह सके उसके मूल स्वरूप से बहुत ज़्यादा डगमगाए बिना, तो मैं उन कहानियों को आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। तो कोई इस बात को अन्यथा ना लें कि ये तो गलत थी, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इसके साथ ही साथ कई बार अगर आप इतिहास अलग अलग जगहों से पढ़ेंगे तो कई बार अलग अलग लोगों ने एक ही घटना को अपने अपने हिसाब से लिखा है। तो ये जितने भी इतिहासकार हुए हैं उनमें एक ही घटना को लेकर कई सारे मतभेद नज़र आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये घटना इस प्रकार से घटी, कोई दूसरा बोलेगा इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से घटी, कोई तीसरा अपनी अलग कहानी बोलेगा, लेकिन घटना तो एक ही घटी है और वो तीन तरीके से तो नहीं घट सकती, वो किसी एक ही तरीके से घटी होगी। तो हम ऐसी परिस्थिति में किस इतिहासकार की बात को मानेंगे? तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे कि जितने भी पुराने इतिहासकार थे, पुराने इतिहासकार मतलब जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ में उनके दरबारी कवि होंगे, मुगल है तो उनके दरबारी कवि होंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो मेवाड़ का दरबारी कवि है वो मेवाड़ के जो राजा है उसके ही आश्रय में पल बढ़ रहा है, तो वो जो भी इतिहास लिखेगा वो इसकी प्रशस्तिगान ही करेगा। मुगलों का कोई होगा तो मुगलों की प्रशस्तिगान ज़्यादा करेगा, भाई अच्छी बातें ज़्यादा बताएगा और जो उसकी कमियां होंगी या जो शुद्ध हारे होंगे उनका जिक्र कम करेगा। तो हम इन पर तो इतना विश्वास नहीं कर सकते। अब एक ही समय के जो इतिहासकार हुए हैं उनके इतिहास के जो भी स्रोत हुए हैं, स्रोत से मतलब शिलालेख हुए, गुहालेख हुए, हमको ग्रंथ मिले हों, तो इस प्रकार के इतिहास के जो भी स्रोत मिले, बाद में कई लोगों ने उनको संकलित किया और उनको सबको आपस में देखा कि भाई कहाँ कहाँ पे चीज़ें काउंटर हो रही है और कहाँ कहाँ पे चीज़ें मेल खा रही है। तो जो मेल खा रही है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और जो काउंटर हो रही है तो उन्होंने अपने तार्किक आधार पर अपने विवेक से देखा कि यार ये ज़्यादा ठीक लग रही है कहानी और ये कम ठीक लग रही है, तो उन्होंने अपने अपने आधार पर कह दिया कि भाई ऐसा हुआ होगा। लेकिन आधुनिकता के सबसे नज़दीक अगर हम किसी इतिहासकार को पाएं आज की तारीख में तो वो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हमें लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड भी इतिहास लिख कर गए हैं और उनके अतिरिक्त और अन्य लोगों ने भी लिखा है। अब कर्नल जेम्स टोड ने जो इतिहास लिखा था उनमें उनके इतिहास लेखन के समय पे उन्हें कई सारे राजस्थान के इतिहास के स्रोत उपलब्ध नहीं हो पाए थे। इसीलिए जब डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान का इतिहास का अध्ययन किया तो उनके पास तो वो वाले स्रोत भी थे जो कर्नल जेम्स टोड को नहीं उपलब्ध हो पाए। तो इन्होंने अधिक तार्किक आधार पर इतिहास का अध्ययन किया, मंथन किया, तो इनके द्वारा जो कही गई बात होगी वो तार्किक आधार पर ज़्यादा मायने रखती होगी, ज़्यादा वजन रखती होगी वनस्पत की इससे पहले या इससे कम इतिहास के स्रोतों से जिसने अध्ययन किया हो उसने जो बात कही है। तो कभी विरोधाभास होगा तो अधिकतर समय अगर उसमें डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का नाम भी आता है विरोधाभास में तो हमारा झुकाव आपको मेरा के आपको पुस्तकों में और भी अन्य जगहों पर कोई और भी आपको पढ़ा रहा होगा तो सामान्य रूप से उस टीचर का झुकाव आपको ओझा जी की तरफ झुका हुआ नजर आएगा। तो किसी बात को अन्यथा ना लें कि आप ये बोल रहे हो ऐसा नहीं है, वो भी तो ऐसा बोल रहा है तो क्या वो गलत है क्या, ठीक है ना। कारण मैंने बता दिया, सबकी कहानियाँ अलग अलग थी, एक ही घटना 10 तरीके से तो घटी नहीं होगी, वो तो एक ही तरीके से घटी होगी, लिखी 10 तरीके से 10 लोगों ने गई है, उनमें अपनी कई सारी मनगढ़ंत बातें भी आई होगी। तो ये कुछ एक छोटी छोटी बातें थी, तो मुझे आपसे ये प्लेलिस्ट शुरू करने से पहले करनी थी। बाकी आप प्लेलिस्ट को सुनिए, इसको उस तरीके से सुनिए कि यदि आप पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं तो मनोरंजन उद्देश्य से, आप पढ़ नहीं रहे इतिहास जानने में रुचि रखते हैं तो उस उद्देश्य से, आप रोचक जो किद्वंतियाँ लोगों में प्रचलित हैं ये बात क्या थी क्यों थी इस प्रकार की बातें जानने की इच्छुक हैं तो इन्हें सुनिए, या फिर आप पूरा इतिहास पढ़ चुके हैं लेकिन जैसे मेवाड़ का इतिहास आपने 4 दिन में या 3 दिन में या 2 दिन में ख़त्म किया पूरी लगन से पढ़ के एक एक शासक को निपटाया, लेकिन वही वाली कहानी होती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे का साफ होता जाता है। अब आप चाहते हैं कि मैं उसका रिवीजन कर लूं, अब जो चीज़ आपने 4 दिन में निपटाई है अगर आप उसका रिवीजन भी करने जाएंगे तो 1 दिन तो लगेगा, अब फिर जब 2 महीने गुजर जाएंगे ये फिर से सुपड़ा साफ हो जाता है। तो कभी अगर आपको मेवाड़ रियासत या किसी अन्य रियासत जो हम अपनी प्लेलिस्ट में कवर करते हुए चले जाएंगे उसका फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करना है कि वो कहानी मैं ना भूलूं, जब एग्जाम टाइम आएंगे तब मैं अच्छा रिवीजन करूंगा लेकिन वो कहानी ना भूलूं, तो कुछ कुछ समय के बाद मेरे बनाए हुए इन वीडियोस की आप या इन लेक्चर्स की आप मदद ले सकते हैं यदि आपको ठीक लगता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं या आप अन्य किसी गुरुजन से पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा पढ़ाई गई जानकारी आपको अधिक स्थायी लगती है तो बहुत अच्छी बात है,
अन्यथा वाली कोई बात नहीं है। उद्देश्य केवल यह है कि आपके दिमाग में चीज़ें स्थायी हो जानी चाहिए, जहाँ से भी आए आपका कार्य सिद्ध होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रयास आप लोगों के लिए लाभप्रद होंगे, आपको पसंद आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आपसे मिलेंगे हम सीधे के सीधे राजस्थान की जो भी रियासतें होंगी उनके इतिहास के वीडियो लेक्चर्स में। जय हिंद, जय भारत।